तरीका है, आपको नहीं मालूम कौन किस चीज का लेक्चर, मुमकिन नॉट्स का हो जाए, मुमकिन है लेशन का हो जाए, होनी चाहिए लाजमी है लेक्चर में। बिस्मिल्लाह रहीम, सही है बिल्कुल, पहले दफ़ा में जो चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी इस वक्त। और इंतहाई मजबूरी में चप्पल मैं देख रहा हूँ उस बच्चे का, मैं टांग भी देखी जख्मी है। इसके अलावा अपनी यूनिफॉर्म के साथ, जिस तरह आपको यूनिफॉर्म की इंस्पेक्शन होती है बाकायदा, इस तरह लेक्चर के दौरान भी आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, हर लम्हे में ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो अब किसी कमीज बाहर निकली हुई हो, किसी का स्कार्फ, अगर फ्रेंडशिप नॉट लगी है तो अलग बात है, लेकिन अगर वॉगिल है तो वॉगिल, मैं नहीं समझता मेरा तो स्कार्फ मोटा है, थोड़ा वॉगिल नीचे प्रॉपर जगह पर उसको वॉगिल होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बटन बंद होने चाहिए जिससे प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है। इस तरह हर बॉय स्काउट की और हर रोवर की यूनिफॉर्म जो है वो ऑब्जर्व की जाएगी। ओके जनाब नासिर जमाल साहब, ड्यूटी फोर्स लीडर, SLTC कोर्स जो होने जा रहा है, ड्यूटी फोर्स लीडर है वो, आज आप उनका नाम भी लिखेंगे, सही है, आज तारीख भी लिखेंगे, वक्त भी लिखेंगे, और लेक्चर जो इनका है उसका उसका नाम भी लिखेंगे, उसके बाद ताकि आप मैं लॉग बुक इसको मांगेंगे आपसे तो बता दीजिए आसानी। जनाब जो इस वक्त हम लेक्चर ले रहे हैं, पहला जो पहला सेशन है वो स्काउटिंग हिस्ट्री से निकाल दें, स्काउटिंग हिस्ट्री, स्काउटिंग हिस्ट्री दो हिस्सों में मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो स्काउटिंग के बानी हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से है, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो स्काउटिंग के हवाले से है। तो हम यकीनन पहले हम जो लॉर्ड बर्डन पाउल हैं, हम इनके, मैंने मुख्तसर अभी नाम लिया है, हम पहले हम इनकी ज़िंदगी पर नज़र डाल लेते हैं कि वो कब पैदा हुए और क्या उनके रूटीन रहा ज़िंदगी का, स्काउटिंग तहरीक शुरू होने से कबल तक, पहले तक वो क्या थे और किस किस तरह के मामला उनके साथ रहे। तो लॉर्ड बर्डन पाउल, जो कि बाद में इनको जब लॉर्ड का खिताब दिया गया और सर का खिताब दिया गया, उनका मुकम्मल नाम जो बाद में बना वो सर लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बर्डन पाउल ऑफ गिलविल, लंबा सा नाम है, आपको बाद में मिल जाएगा। और आप 22 फरवरी 1857 में पैदा हुए। आप अपने आसानी के लिए निक नेम उनका बर्डन पाउल लिख सकते हैं। 22 फरवरी 1857 में आप पैदा हुए, 1870 में 13 साल की उम्र में चार्टर्ड हाउस स्कूल में आपका दाखिला हुआ। आप चार बहन भाई थे, चार भाई थे और तीन बहनें थी आपकी। आपके वालिद H.G. बर्डन पाउल उनका नाम था, और वालदा का नाम भी इतफाक़ से H.G. स्मिथ था। अब इसमें वर्ड आया है H.G., लेकिन ये मुकम्मल नाम नहीं है, ये नाम के शॉर्ट फॉर्म है। तो H.G. हर्बर्ट जॉर्ज स्मिथ उनका पूरा नाम था, हर्बर्ट जॉर्ज बर्डन पाउल नाम था वाले साहब का, H.G. बर्डन पाउल का नाम था मुकम्मल, हर्बर्ट जॉर्ज बर्डन पाउल। और जो वालदा का नाम था लगा हुआ है H.G. स्मिथ, तो एनरिटा ग्रेस स्मिथ उनकी वालदा का नाम था मुकम्मल पूरा नाम। आपके वालिद थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और जो वालदा थी जो बरतानिया के जो नेवल चीफ थे उनकी साथी थी। बहरहाल तो 1870 में बर्डन पाउल जो थे वो 13 साल की उम्र में दाखिल हो गए चार्टर्ड हाउस स्कूल में, और ये आप स्कूल के ज़माने से बहुत एक्टिव थे, फ्रेंडली किस्म के, आपको ड्राइंग बनाने का शौक़ था, आपके खसूसियत ये थी कि आप दोनों हाथों से ड्राइंग बना सकते थे, बैक वक्त दोनों हाथों से ड्राइंग बनाया करते थे। आपके जब जिक्र आएगा आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो उनकी जो किताब है स्काउटिंग फॉर बॉयज़ उसमें जो तस्वीर हैं वो भी उन्हीं के हाथ की बनी हुई है। इसके अलावा बर्डन पाउल को कश्ती रानी का बहुत शौक था, आप बहुत अच्छे स्विमर थे, फुटबॉल आप बहुत अच्छे खेलते थे, खिलाड़ी थे फुटबॉल के भी आप, मतलब वो तमाम खसूसियात जो एक एक्टिव किस्म के लड़के में होने चाहिए वो आपके अंदर वो मौजूद थी। 13 साल की उम्र के बाद, जब आपकी उम्र 16, जब आप फारिग हुए 6 साल के बाद, 19 साल आपकी उम्र हो गई थी, तो फिर आप आर्मी में भर्ती हो गए एज ए लेफ्टिनेंट, आप आर्मी में भर्ती हो गए। और यकीनन एक लेफ्टिनेंट बहुत छोटे से सबसे कम ये होता है आर्मी के अंदर, लेकिन आप क्योंकि शुरू से ही बहुत एक्टिव थे तो बहुत जल्द आपको 6 साल के बाद आपको मेजर के अहदे पर पास कर दिया गया, और वो सर उनका बन गया कैप्टन बन गया 1883 के अंदर। 1876 में आर्मी में दाखिल हुए और 1883 में आप कैप्टन बन गए।
और जो आपके रेजिमेंट थी वो अफ्रीका चली गई। अच्छा उसी जब वो आप लेफ्टिनेंट बने तो आप इंडिया आए, क्षेत्र में फर्स्ट टाइम आप इंडिया आए तो आप 1876 में आप इंडिया आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे इंडिया, क्यों बाद में भी जब हिस्ट्री में आया तो आप बाद में भी फिर आप इंडिया गए थे जब आप उससे बड़े होते थे चले गए थे मलन पॉल थे, और 1884 में आपकी जो रेजिमेंट थी वो अफ्रीका उसका ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि जो पूरी रेजिमेंट चली जाती है अफ्रीका आपके पूरे बटालियन को अफ्रीका को चले गए थे, और 1887 में जनूबी अफ्रीका में दो कबाइल थे जुलू कबीला और दूसरा था मेटाबेली कबाइल, इनके खिलाफ वो जंग लड़ते रहे, इनसे उनके मुख्तलिफ मारके होते रहे और आखिर में उनको फतह हासिल हुई, बड़े पावर फतह हासिल हुई। इसी तरह से 18 जब ये तमाम चीज़ें हुई तो 1888 में आपको मेजर बना दिया गया और बहुत जल्द 99 में आप जो थे वो कर्नल के अहदे पर फाइज हो गए। 1899 वो ख़ास साल है, वो अहम साल है जिसमें एक बहुत ज़बरदस्त वाक़ पेश आया था कि 13 अक्टूबर 1899 से और 18 मई 1900 तक तकरीबन बनते हैं 217 दिन आपके फ़ौज को मुहासरे में ले लिया कबाइल ने, महफिल का कबीला था वहाँ, महफिल का इलाका था, आप सराउंडेड हो गए और आपको हिसार में आप आ गए दुश्मनों के। अब ये एक ऐसी स्टोरी है, छोटी सी कहानी मैं बताता चलूँ, बहुत से स्काउट्स भी इससे हम अक्सर बताते रहते हैं कि इस दौरान आपकी कुमक बंद हो गई, आपको बाहर से कुछ भी नहीं मिल रहा था, आपके राशन आपके मेडिसिन आपके असलहा सभी कुछ सारा कुछ वो, तो वहाँ पर बर्डन पावल ने एक तरीका अपनाया और वहाँ जो कम उम्र लड़के थे जो स्काउट एज के बच्चे थे आपने उनसे उनको काम मिल दिया, उनको आप क्योंकि आसपास सब दुश्मन थे और यकीनन आपकी जो मदद थी वो बाहर थी वो भी अंदर नहीं आ सकती थी, तो वो बच्चों को आपने ट्रेन किया, वो बच्चे हंसते खेलते जाते, कोई पैगाम देना होता तो वो फुटबॉल थोड़ी सी बॉल बना के चले जाते और वहाँ से वो पैगाम बाहर पहुँचा देते, वहाँ से जो पैगाम होता ले जाते, इस तरह आप ये सिलसिला जारी रखा सिर्फ अपनी जहानत की वजह से, और 217 दिन के बाद वो महासा तोड़ने में कामयाब हो गए और वो भी जीत गए। जब उसी साल फिर आप वापस अपने वतन आए तो उनका इस्तकबाल किया गया हीरो ऑफ मैफकिन के हवाले से और उनको लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी गई और उसी अहदे से बाद में रिटायर हुए थे। तो ये तो एक उनकी मुख्तसर हिस्ट्री थी। अब हम आते हैं स्काउटिंग की हिस्ट्री की तरफ। 1907 वो साल है कि जब उनके जहन में ख्याल तो पहले से था और इंग्लैंड आने के बाद भी आपने ये सिलसिला जारी रखा और बच्चों को अपने स्काउट एज के बच्चे होते थे उनको जमा करके और उनको इस किस्म की एक्टिविटीज़ कराया करते थे स्काउटिंग के हवाले से, स्काउटिंग जैसे कैंप लगाना उनको जंगल की ज़िंदगी के हवाले से कुदरती ज़िंदगी के हवाले से उनको आगाही दिया करते थे और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कराया करते थे दिलचस्प किस्म की, बच्चों को बड़ा मज़ा मतलब आता था। 1907 में उनको ख्याल आया कि क्यों ना स्काउटिंग का बाकायदा आगाज़ किया जाए। 1907 के अंदर पहली मरतबा आपने ब्राउन सी आइलैंड में एक तजर्बाती कैंप किया, ब्राउन सी आइलैंड में एक तजर्बाती कैंप किया जिसमें 20 स्काउट्स शरीक थे। वो कैंप बहुत तेज़ी से कामयाब हुआ, बहुत मतलब मशहूर हुआ वो कैंप और आहिस्ता आहिस्ता स्काउटिंग जो थी वो फैलती चली गई। 1908 में के अंदर जो वो फिर आगाज़ हो गया रोवरिंग का आगाज़ 1908 में हो गया और 1916 में कबिंग का आगाज़ हुआ। इस तरह जितने सेक्शन हैं 1920 के अंदर जो हैंडीकैप्स उनका आगाज़ हुआ, फिर 1941 में बैडन पावल जो थे वो इंडिया आए और यहाँ पर वो आए सेकंड टाइम जो इंडिया आए तो फिर पाकिस्तान भी इस इलाकों में भी आए यहाँ मतलब, और वो स्काउटिंग जब शुरू हुई तो 1920 में जो पहली वर्ल्ड जैम्बूरी हुई और उसमें आपको दुनिया का पहला चीफ स्काउट और आखिरी पहले और आखिरी चीफ स्काउट बनाया गया। इस वक्त अब दुनिया में कोई चीफ स्काउट नहीं है, हर मुल्क का जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने मुल्क का चीफ स्काउट होता है। 1947 में जैसे पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के पहले ही दिन स्काउटिंग का आगाज़ हो गया। वो किस तरह से हुआ,
बहुत से बच्चे ऐसे वाकिफ़ हैं, इस बहुत मशहूर ये वाक़ था कि फ्रांस में एक वर्ल्ड जमहूरी हो रही थी। उस वर्ल्ड जमहूरी, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, मुश्तरका मुल्क था। तो वहाँ उस वर्ल्ड जमहूरी में जो इस बरे सगीर से जो स्काउट शरीक थे, उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे यकीन। तो उसमें जब वहाँ पर कुछ दिन पहले अखबारों में, जब कुछ दिन में आ जाता है फ़लाँ मुल्क तारीख और कोई मुल्क है जो वजूद में आ रहा है, सलाम पाकिस्तान है, तो वहाँ जो स्काउट थे उन्होंने इस खबर को पढ़ा और फिर उन्होंने इसके हवाले से आपस में मशवरा किया। उसमें से एक तो रहमत अली साहब थे जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से था, और एक मसरूर जिनके मसरूर बेस्ट जो पाकिस्तान कराची में एयरपोर्ट है हमारा एयरफोर्स का, मसरूर साहब थे, वो भी उनका ताल्लुक भी, वो भी ताल्लुक पंजाब का ताल्लुक था। बहरहाल